हाँ बताएं। ठीक हमने कहा जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है वो है ठीक एक कानून है, यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट है। 2004, उसी के तहत, कानून के तहत जो है मदरसों का रजिस्ट्रेशन होता है। सही है। तो उस कानून को ही गैर कानूनी डिक्लेयर करने के लिए हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ है। अरे अच्छा, तो जब वो कानून गैर कानूनी हो जाएगा तो सारे मदरसे चूंकि उसी कानून के तहत जो है उनको जो है लीगल तस्लीम किया गया है, अगर वही कानून इलीगल हो जाएगा तो फिर सारे मदरसे अपने आप इलीगल हो उसमें जाएंगे। पसे मंजर क्या बताया, क्यों मतलब क्या उसमें मतलब वजूहात बताए गैर कानूनी साबित करने के? उसमें बहुत सी चीजें हैं और उसमें कानून से ज्यादा डिस्कशन मदरसों से हो रहा है। मतलब कानून अच्छा तो कानून के जो जो भी प्रो एंड कॉन्स है, मतलब जो उसकी अच्छाई बुराई है वो तो अलग चीज है, उसमें जो मेन डिस्कशन हो रहा है जिसकी तरफ हाईकोर्ट माइल है, हाईकोर्ट का ये कहना है कि इस मुल्क के आईन ने आर्टिकल 21A के जरिए इस मुल्क में तमाम 6 साल से 14 साल के बच्चों को ये बुनियादी हक दिया है कि वो उन्हें मुफ्त और जो है लाजिम तालीम दी जाए। जी, ठीक ठीक है। है। और फिर हाई कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर जो ये तालीम लफ्ज या जो एजुकेशन लफ्ज आया है वो सिर्फ कुछ भी पढ़ने को लेकर नहीं आया है बल्कि वो क्वालिटी एजुकेशन को बताता है। ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन में जो मॉडर्न एजुकेशन है वो आएगी। वो आएगी, मदर से खारिज हो जाएंगी। तो जब मॉडर्न एजुकेशन आएगी तो फिर कोर्ट ने कहा कि क्या किसी भी शख्स को इस बात की छूट दी जा सकती है कि वो बच्चों से ये बुनियादी हक छीन ले और ये कहकर कि जो है हम तो इनको जो है मजहबी तालीम दे रहे हैं, क्या मजहबी तालीम देने के नाम पर उनके इस बुनियादी हक से उनको महरूम किया जा सकता है। ओहो, बड़ी लंबी मामला है फिर तो। हाँ, तो हमने इसके लिए कई कई लोगों से, कई जिम्मेदारों से बात किया। एक तो हमारे यहाँ का वो लड़का सालिम अलवी है जो है, तो हमने कहा उससे, उसके भी कुछ रास्ते वगैरह बरेली में थे, तो हमने कहा उन लोगों से बताओ कि इस तरह का मैटर चल रहा है। तो इस पे अब और क्या हो इसमें सकता है, मतलब क्या हो सकता है ये बताएं, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैटर यह है कि ये 24 जनवरी से कंटिन्यू डेली सुनवाई हो रही है 2.5 घंटे अच्छा। बिला नागा, रोज स्पेशल कोर्ट बैठती है और रोज सुनती है। अच्छा अब इसमें इसमें यह है कि जैसे जो मेन लोग हैं वो क्या करें कि देखिए मैटर तो यह है कि ये कानून रद्द होगा क्योंकि जो जजेस का जो व्यू था, जो जजेस का झुकाव था, जो उनका नजरिया था, वो जी दौराने मुकदमा जो उनकी गुफ्तगू होती है उससे वाजह हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो वो उस मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन लोगों ने जो बातें कही हैं उससे वाजह है कि वो इस कानून को रद्द करेंगे। अच्छी बात है और माशाल्लाह। है ना, इस कानून को रद्द करेंगे और मदरसे को जो है वो मदरसे में जो है वो मजहबी तालीम को जो है कहकर, ये उनका ये कहना है कि जिस तरह डॉक्टर और इंजीनियर कोई बनता है तो वो जो एक बेसिक एजुकेशन है वो लेता है, हाई स्कूल इंटर सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी फील्ड का सिलेक्शन करते हैं। तो उनका कहना है कि मौलाना बनिए, मुफ्ती बनिए, हाफिज बनिए, कारी बनिए, लेकिन बेसिक एजुकेशन सबको दी जाए और उसके बाद वो 14 साल या 18 साल बाद वो बने। ओह ठीक। तो इससे ये लग रहा है कि ये मदरसे पर भी पूरा मामला सब आएगा। तो इसमें लेकिन मतलब वही मैंने पूछा ना कि होना क्या चाहिए। अब इसमें होना ये चाहिए कि जो मजहबी जो यहाँ कयादतें हैं वो क्या करें कि इस मुकदमे के अंदर फरीक बनने की एप्लीकेशन में अच्छा। कि हमें भी जो है सुना जाए, हम भी अपनी बात कहें। अच्छा ठीक है, तो उसमें तो जो भी होना होगा वो होगा क्योंकि कोर्ट का तो भी। मैं इस क्या नाम है, इस तमाम बात को, पूरी बातों को इंशाल्लाह ताला मरकज में, मरकज के जितने जिम्मेदारान हैं, हाँ, चाहे जामतुर्रजा हो, मंजर इस्लाम हो, यहाँ के जितने भी हैं, मैं उन तक पहुँचाता हूँ, सीनियर लोगों तक इंशाल्लाह ताला। और उनका हाँ क्या मतलब जो है इस पर रिएक्शन होता है, जो भी बातें होंगी तो मैं सही हिसाब आपसे गुफ्तगू करूंगा, बताऊंगा जैसा भी होगा फिर, क्योंकि ठीक वही है। लोग करेंगे इसमें, हम लोग तो पीछे पीछे है ना, वो लोग हाँ पैरवी करें, हाँ हम लोग साथ देंगे, और ये बात उन तक पहुंचना हाँ चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इल्म भी होगा इस चीज़ का, ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा इशू है तो पता ना होने। नहीं, बड़े खुफिया तरीके से हो रहा है, ये कहीं छपा भी नहीं अभी तक। ओहो अभी इसमें कानपुर की एक जमात है कोई मदारिस इस्लामिया तंजीम करके, उसमें कौन जमा करके हैं एक, हमको अब्बास मिसबाही अजहरी साहब जो संत कबीर तो इसका मदरसा कुछ चलाते है हैं। मतलब, वो कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह कुछ है क्या, कुछ मिलेगा पीडीएफ वगैरह कुछ उस तरीके के? नहीं, कोई क्लिप नहीं, हम जो लिखे हैं वो भेज देंगे। देखिए, इन्होंने कोई दीवान साहब जमा करके हैं उस तहरीक के,
ये इन लोगों ने अभी उसमें फरीक बनने की एप्लीकेशन डाली है ना, तो मौलाना अब्बास साहब ने जो है वो हमको फॉरवर्ड किया था, तो मैं जो कुछ है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप फॉरवर्ड कर दीजिए और मैं ये मैंने आपकी बात रिकॉर्ड कर ली है थोड़ी सी, ठीक है सही साहब। तो मैं ये प्रिंसिपल साहब जो हैं जामियतुल रजा के और ये जितने भी लोग हैं इनको पर्सनली कर दूंगा कि आप इसको सुने और समझें वक्त की नजाकत हालात को देख करके और कोई लाह अमल तैयार करें। हाँ इसमें इंटरवेंशन डालें जी और हाई कोर्ट से ये कहें कि भाई हम भी इसमें फरीक हमें बनाया जाए और हमारी बात सुनी जाए। बहुत अच्छा। अगर ये एप्लीकेशन खारिज होती है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, तो कम से कम अभी जो ये सुनवाई इतनी तेजी से चल रही है कि ये इसी हफ्ते में डिसीजन आ जाएगा ओहो अगर इस तरह से चलता रहा तो। अल्लाह हो सर। चलो तो मैं फिर बहुत अच्छा किया आपने बता दिया और मैं इंशाल्लाह ताला देखता हूँ, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ मैं आपको आपको जो चीजें हैं वो फॉरवर्ड कर दे रहा जी हूँ। सही साहब, जी सही।